हेलो, आइए ज्ञान प्राणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएनडो में कितना टैक्स आपको क्या है पे करना पड़ता है, एफएनडो में टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, और जो आपको लॉस होते हैं उन लॉसेस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से डिडक्शन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में एफएनडो से रिलेटेड पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा शुरुआत से लेकर एंडिंग तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एफएनडो की इनकम है वो कैसे ट्रीट की जाती है, वो इनकम कैसे हमारा टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, जो एफएनडो की इनकम होती है उसको नॉर्मल इनकम क्या है कंसिडर किया जाता है। तो इस पर जो टैक्स होते हैं वो नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होते हैं। तो या तो आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स भरें या फिर आप ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग क्या टैक्स भरें। तो किसी भी टैक्स सिस्टम को आप क्या है फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अगर आपकी इनकम क्या है 2.5 लाख से कम है, तो आपको पता है कि आईटीआर भरो या ना भरो वो आपके ऊपर नॉर्मली होता है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन यहां पर जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम हो रही है तो आपको पता है कि भैया नॉर्मल इनकम के अंदर क्या आपको कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन इनकम जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉर्मल टैक्स स्लैब होता है, जैसे 2.5 लाख के बीच, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% होता है, फिर 5 लाख से आगे के लिए टैक्स होता है, तो उसी बेसिस पर क्या है आपको टैक्स क्या पे करना पड़ेगा। ये था आपका कैसा वाला ओल्ड रिजिम टैक्स वाला। अगर न्यू टैक्स रिजिम की अगर हम बात करें तो आपको पता है भाई 7 लाख तक की जो इनकम है, जो 7 लाख तक की इनकम है उस इनकम पर आपको 0 टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो भाई टैक्स का फंडा है कि भाई टैक्स का क्या फंडा है। अब बात आती है कि भाई हमारी जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम की तरह एफएनडो में कंसिडर होगी, क्योंकि एफएनडो को एक जॉब की तरह क्या कंसिडर किया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कुछ अदर टर्म्स की, कि जैसे जो लॉस होता है एफएनडो में उस लॉस को कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखो, जो एफएनडो में लॉस होता है उसको आप 8 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं। अगर आपको आज इस साल लॉस हुआ है तो आप आने वाले 8 सालों तक लॉस क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 8 सालों तक जो लॉस उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। देखो, एफएनडो में जो कमाई होती है या तो बहुत ज्यादा होती है या फिर कम होती है, तो कई बार यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों चलता रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपको ये छूट दे रखी है कि भैया आप 8 सालों तक अगर आपको लॉस हो रहा है तो भैया कैरी फॉरवर्ड कर लेना लॉस को, आपसे कम टैक्स लेंगे, ये गवर्नमेंट ने आपसे कह रखा है। तो लॉस का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। अब देखो, बात आती है कि जो इस पे जो टैक्स रेट है वो कैसे है, वो मैंने आपको बताया कि भैया नॉर्मल टैक्स लेफ्ट के अकॉर्डिंग क्या है इस पे टैक्स पड़ता है, और इसको एज ए नॉर्मल बिजनेस इनकम क्या माना जाता है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमको एफएनडो में लॉस हुआ है तो उस एफएनडो के लॉस को किन किन चीजों के साथ हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके साथ समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए आपका कोई दूसरा बिजनेस है, अगर मान लीजिए आपका कोई दूसरा बिजनेस है, जैसे आप होटल का बिजनेस कर रहे हो या कोई ऐसा कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, तो क्या उसके साथ एफएनडो का जो लॉस है क्या वो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो सेट ऑफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, यदि आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है क्या उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल आप एफएनडो के लॉस को उसके साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी, मान लो तुम्हारी एक एफडी चल रही है बैंक अकाउंट में, अब उस पर तुम्हारी कमाई होगी, क्या उस इंटरेस्ट पर हम जो एफएनडो का लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका मान लो एक रेंटल इनकम हो रही है, मान लो आपका एक घर है या मान लो आपके दो घर है, आपने एक को भाड़े पर उठा रखा है, अब उससे कुछ ना कुछ कमाई आ रही होगी तुमको। अब मान लो तुमको एफएनडो में इस साल लॉस हो गया और तुम्हारी कमाई रेंटल इनकम से है, तो क्या लॉस को हम अपनी रेंटल इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अब तुम सोच रहे हो भाई सबको तो कर सकते, तो किसको नहीं कर सकते हैं।
तो देखो अगर तुम नौकरी पेशा आदमी हो, अगर तुम नौकरी करते हो, मान लो तुम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, अब तुम सोच रहे हो कि भैया मैं जो है अपनी सैलरी को सेट ऑफ कर दूं, तो सेट ऑफ नहीं होगी। मतलब जो सैलरी इनकम होगी वो सेट ऑफ एफ एंड लॉस के साथ नहीं होने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, सैलरी इनकम को हम एफ एंड लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो बात करते हैं, मान लो हमको जो भी इनकम हुई है एफ एंड ओ में, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ भाई, हमारी इनकम हो गई। अब जो इनकम हुई है, अब इनकम होते समय देखो क्या होता है, मान लो भाई हम एफ एंड ओ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई हमने लैपटॉप ले रखा है, हमने जो है कोर्स सीखा हुआ है कहीं जाके, हमने कोर्स के लिए पैसा दिया, हमने लैपटॉप के लिए पैसा दिया, हमने एक ऑफिस में रखा उसके लिए पैसा दिया, हमने जो एक मोबाइल खरीद रखा उसके लिए पैसा दिया। मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपके एफ एंड ओ की वजह से हो रहे हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपके एफ एंड ओ की वजह से हो रहे हैं, आप उनको अपने एक्सपेंसेस के फॉर्म में क्या है सो कर सकते हैं, और एफ एंड ओ प्रॉफिट से आप उनको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो नेट इनकम है वो देखा जाएगा। क्योंकि जो चीजें आप एक्सपेंस आपके होते हैं, आप एफ एंड ओ करो और एफ एंड ओ की वजह से आपने क्या बहुत सारे आइटम ले रखे हैं, आपने टेबल ले रखा है, आपने जो है लैपटॉप ले रखा है, तो उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप क्या है क्लेम कर सकते हो। तो जैसे इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे आपकी जो बिजनेस एक्सपेंसेस है उसमें वो क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे आपको सकता है इंटरनेट चार्जेस हो सकता है कि भैया मैंने इंटरनेट लगवाया एफ एंड ओ की वजह से, तो उसको तुम शो करो। तुम रेंट शो कर सकते हो हाउस का, मान लो तुम भाई कहीं ऑफिस लिए बैठे हो, तो भैया ऑफिस का रेंट जा रहा है ना कि नहीं जा रहा है। अब जैसे मान लो मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, अब भैया हम ऑफिस लिए बैठे हैं, तो इसका रेंट देना पड़ रहा है कि देना पड़ रहा है, तो वो कर सकते हो आप। आपने जैसे मान लो किसी से कोर्स ले लिया किसी एजुकेटर से, तो भाई उसका पैसा देना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, तो वो कर सकते हो सेट ऑफ। इसी तरीके से आपने क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आ रहा होगा, जहां आपने जगह ली रखी होगी, तो वो भी कर सकते हो डिडक्शन में। आपने मान लो मोबाइल ले रखा है, तो वो भी आप कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस में। सो आपने लैपटॉप रखा वो भी कर सकते हो। मतलब जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो आपके खर्चे हो रहे हैं ड्यू टू एफ एंड ओ, वो सब कुछ आपके एक्सपेंसेस में शो कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ डिडक्शन की, जैसे एसटीटी है, ब्रोकरेज है, ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, और अगर मान लो आपने लोन वगैरह ले रखा है एफ एंड ओ करने के लिए, या आपने किसी और पर्पज के लिए लोन ले रखा है, तो भैया ये सबके सब क्या तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब जो आपकी नेट इनकम है उनमें आपकी डिडक्शन को क्या शो कर सकते हो, तो आपकी जो इनकम है बची हुई जो इनकम है उस पर फिर आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर कम टैक्स देना चाहते हो तो नॉलेज पूरी होना जरूरी है। अगर नॉलेज पूरी नहीं होगी तो भाई फिर आपको क्या प्रॉब्लम होगी। अब देखो लास्ट पॉइंट में, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई एफ एंड ओ के लॉस को कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनको मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, अगर आपका इंट्राडे लॉस हुआ है, अगर आपका इंट्राडे में लॉस हुआ है, तो उसके लॉस को कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इंट्राडे लॉस को कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखता हूं कि भाई कितने लोग मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्राडे के बारे में बताया था कि भाई इंट्राडे में किस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट एफ एंड ओ के बारे में अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से संबंधित एजुकेशन लेना चाहते हैं, 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318-55-8856 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए हम स्टॉक मार्केट की जो क्लासेस हैं, जो आपकी एजुकेशन की जर्नी है, उसमें आपको हेल्प करते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे समझाते हैं। क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट वो हथियार है जिसके दम पर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो पूरी एजुकेशन आपको दी जाती है, आपको आईपीओ के बारे में बताया जा रहा है, आपको शेयर्स के बारे में बताया जाता है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में दिया जाता है, मतलब एवरीथिंग
जो आपके पैसे को बना सकता है, वो सारी एजुकेशन आपको दे दी जाती है। और उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर आपके प्रॉफिट के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे और लॉस के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। क्योंकि अगर बिना तैयारी के युद्ध में कूदोगे, तो हारना तय है, और तैयारी करके कूदोगे तो जीतना तय है। अब आपको तैयारी के साथ कूदना है या बिना तैयारी कूदना है, डिसीजन आपको लेना है। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।